हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। दुनिया जितनी बड़ी और एडवांस होती जा रही है, वैसे ही वो इंसान के हाथों में हर वक्त मौजूद रहने वाले फोन तक सिमटती हुई दिख रही है। मोबाइल फोन इंसान की लग्जरी के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। लेकिन तब क्या हो जब आपके हाथों की शान बढ़ाने वाला आपका फोन ही फट जाए। क्यों एक बार को आपका दिल भी कांप गया ना। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ है यूपी के मथुरा में, जहां मोबाइल पर गेम खेलते समय अचानक मोबाइल फट गया। इस हादसे में 13 साल का मासूम बच्चा झुलस गया। उसके हाथ और मुंह पर चोटें आई हैं, जिसके बाद घायल अवस्था में बच्चे को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। आपको बता दें, शहर कोतवाली इलाके में स्थित मेवाती मोहल्ले में एक घर से धमाके की आवाज आई। आवाज सुनकर जब लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर मोबाइल फटा था और उस मोबाइल पर गेम खेल रहा बच्चा घायल था। परिजन और मोहल्ले के लोग तत्काल बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। पीड़िता बच्चे के पिता मोहम्मद जावेद ने बताया कि उनका 13 साल का बेटा मोहम्मद जुनैद मोबाइल पर गेम खेल रहा था और घर के अंदर गेम खेलते समय अचानक मोबाइल फट गया। मोबाइल फटने के कारण जुनैद बुरी तरीके से झुलस गया। गेम खेलते खेलते मोबाइल फटा एकदम, आवाज हुई बहुत तेज, एकदम तेज आवाज हुई। मैं देखा, मैंने तो उसके कपड़े भी और पूरा शरीर जला हुआ था। बच्चे का तो कौन सी कंपनी का मोबाइल था ये? एमआई कंपनी का मोबाइल था ये। तो क्या कारण मानते हैं आप मोबाइल फटने का? कारण तो यही है कि बच्चा, मोबाइल तो सभी बच्चों पे आजकल तुम्हें मालूम है, और बच्चा जब कौन सी कंपनी का लिया था वो चलाते ही है। फिर कौन सी कंपनी है? कंपनी एमआई कंपनी का वो बच्चा मोबाइल लाया था। कहाँ से जला है? पूरे हार्ट साइड, पूरी दिल की तरफ से। जुनैद को गंभीर घायल में देखने के बाद उसे स्थानीय एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मोहम्मद जुनैद को डॉक्टरों ने फर्स्ट एड दिया और भर्ती कर लिया। इमरजेंसी डॉक्टर टिकेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बच्चे की हालत स्थिर है, उसके इलाज करने से पहले अल्ट्रासाउंड कराया जा रहा है, उसके बाद पता लगेगा कि स्थिति क्या है और जुनैद के हाथ की तरफ ज्यादा चोट है। ये बच्चे को लेके आए हैं, बच्चा जला हुआ है पूरा एक हार्ट साइड से, ठीक है, और उसके लिए अल्ट्रासाउंड भी लिखा है हमने। अब अंदर पता लगेगा कि कितनी इंजरी है, कोई मोबाइल वगैरह फटा है उसकी वजह से इंजरी हुई है, एमआई का कोई मोबाइल बता रहे हैं उससे हुई है। जुनैद के पिता मोहम्मद जावेद ने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले एमआई कंपनी का मोबाइल लिया था। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन मोबाइल अचानक कैसे फट गया वो समझ से परे है। आपको बता दें, इस तरह फोन फट जाने का ये मामला कोई पहला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से सीख लेकर सावधान रहने की जरूरत है और फोन कंपनियों को भी अपने प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके।